प्रदेश में लॉकडाउन का आज चौथा दिन है। लॉकडाउन से गरीब और दिहाड़ी मजदूरों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने ऐसे गरीब और असहाय लोगों के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भोजन की व्यवस्था की है। हमारे सहयोगी विश्वजीत झा ने इसका जायजा लिया है, आपको दिखाएंगे। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लगातार आंकड़े सामने रखे हैं, सामने रख रहा है। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल भी पूछा गया कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने यह बात कही है कि उनके यहां पर सभी को राशन मुहैया कराया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, लेकिन बार बार लोगों की शिकायत है कि हेल्पलाइन नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। इस तरीके की शिकायतें सामने आ रही, तो उस पर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने संज्ञान लेने की बात कही है। लेकिन आंकड़े 800 के पार पहुंच चुके हैं, 27 राज्यों में 873 लोग संक्रमित हो चुके हैं, 19 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में आपसे बार बार अपील की जा रही है कि लॉकडाउन के दौरान आप घर में रहें, क्योंकि WHO ने जो 5 तरीके बताए हैं उसमें से सबसे कारगर तरीका लॉकडाउन ही है। इसीलिए पीएम ने जो 21 दिन का लॉकडाउन का आह्वान किया है, बेहद जरूरी है कि प्रत्येक देशवासी उसका पालन करे, क्योंकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है। और यही एक सबसे बड़ा हथियार हम कह सकते हैं, अगर हम कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना चाहते हैं तो लॉकडाउन बेहद जरूरी है। आप लोग अपने अपने घरों में रहें, राज्य सरकार इंतजाम कर रही है। लेकिन इसी बीच ये भी बहुत बड़ा सच है कि दिहाड़ी मजदूरों के सामने बहुत बड़ा रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। डर लग रहा है कि कहीं 21 दिन से ज्यादा ना हो जाए, इसीलिए अब वो अपने अपने घर की तरफ पैदल निकल पड़े हैं। और आज कुछ गाजियाबाद के बॉर्डर्स पर भी उन्हें रोक दिया गया है। बार बार दिल्ली के सीएम भी अपील कर रहे हैं कि आपके लिए दिल्ली में उचित व्यवस्था की जा रही है, तो आप लोग दिल्ली में ही मौजूद रहे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी तरुण कालरा जुड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। तरुण, हम देख रहे हैं कि रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आज भी अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 800 सेंटर्स बनाए गए हैं, 4 लाख लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया है, आंकड़े अपनी जगह है, लेकिन अगर 4 लाख लोगों का अरेंजमेंट हो रहा है तो ये कौन है जो NH24 पर पैदल निकल रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है? देखिए, NH24 पर जो लोग जा रहे हैं वो दो चीजों से परेशान हैं। पहला तो ये कारण वो बता रहे हैं जब उनसे बात की जाती है कि उनका जो मकान मालिक है वो उनको विवश कर रहा है कि इस महीने का आपका किराया नहीं आया है, लिहाजा आप मकान खाली करिए। जबरन इस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उसी के बाद नोएडा प्रशासन ने भी, गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने भी सभी मकान मालिकों को ये आदेश दिए हैं कि कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह से परेशान किया गया किराएदारों को। और इसी तरह का सवाल जो नेशनल मीडिया सेंटर में प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, वहां पर गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे, तब ये प्रश्न किया गया, मीडिया ने सवाल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ तौर पर ये कहा कि अब ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी डॉक्टर्स को, नर्स को, और तमाम इस तरीके की एहतियातन कार्रवाई की जाएगी और कदम उठाए जाएंगे। लेकिन इस बीच ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ लॉकडाउन से क्या फायदा होगा? जांच करना बेहद जरूरी है, तो घर घर तक या फिर जांच का दायरा बढ़ाया जाए, इस पर अभी भी प्रश्न चिन्ह है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर जवाब नहीं दिया है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय काफी आश्वस्त दिखाई दे रहा था आंकड़ों के जरिए भी। उन्होंने ये बात दावा करने की कोशिश की, इस बात का दावा करने की कोशिश की कि उनके पास जो किट की जरूरत है अमेरिका से भी मंगवाई गई है, 5 लाख ऑर्डर किया गया है और 1 लाख देश के अंदर ही मौजूद किट है। लेकिन बहुत ज्यादा लोगों को इसका जो रैशनेल इस्तेमाल किया जाना है ताकि उपयोगिता इसकी बरकरार रहे। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर खांसी जुकाम हो रहा है तो रैंडम किसी हॉस्पिटल को हिट कर रहा है और उसका टेस्ट किया जाए, ये बेवजह होगा, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होगा। और इस तरह की कोई भी कमी नहीं है देश के अंदर, और ऐसी स्थिति जो कि भविष्य में आके आशंकाओं के घेरे में आ सकती है, उसी को इराडिकेट करने के लिए बड़ी संख्या के अंदर विदेशों से भी आयात किया जा रहा है कोरोना वायरस की किट का, जिससे कि ये जांच हो सके कि किसी व्यक्ति को कोरोना है या नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक देश को संदेश देने की यहां पर सरकार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके की पैनिक की सिचुएशन नहीं है। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी जब उनसे ये सवाल किया गया, चूंकि आज देश के सामने तस्वीरें सामने आ रही थी,
ही बड़ी संख्या के अंदर पलायन किया जा रहा था। तो पुनिया सलिल श्रीवास्तव जो कि गृह विभाग के अंदर ही एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने ये स्पष्टीकरण दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने ये हिदायत दी है कि जहां पर भी इस तरह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पलायन कर रहे हैं उनको रोका जाए। अगर वो रात में भी चल रहे हैं रोड के ऊपर जिससे कि उनकी जान को भी जोखिम हो सकता है तो शेल्टर्स लगाकर वहां पर उन्हें खाना मुहैया कराया जाए और जब तक स्थिति काबू में ना आ जाए, यानी कि स्थिति काबू में कैसे आ जाए, यानी कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनको ले जाने के लिए वहां पर उपलब्ध ना हो, तब तक उन्हें उन्हीं टेम्परेरी शेल्टर्स में रोका जाए। जब तक वो टेम्परेरी शेल्टर्स में रुके हुए हैं ऐसे के अंदर भी क्या वो कोई पॉजिटिव केस अंदर हो सकता है जिससे कि वायरल हो जाए सबके अंदर, तो वहां पर अधिकारियों ने यह कहा है कि डॉक्टर्स की टीम उस टेम्परेरी शेल्टर्स के अंदर जाएगी और प्रिलिमिनरी चेकअप किया जाएगा कि किसी व्यक्ति को खांसी जुकाम तो नहीं है, और अगर किसी के सिम्टम्स इस और इशारा कर रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति एक आशंकित कोरोना वायरस का पेशेंट हो सकता है तो फिर उसको आइसोलेट किया जाएगा और फिर बाकी फॉर्मेलिटीज के तहत उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तो ये जो एक बड़ा प्रश्न ये बना हुआ था, गृह मंत्रालय के अधिकारी भी इसी का जवाब देने के लिए वहां पर मौजूद थे कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो काफी सजग है और उन्हें हमने स्वतंत्रता दी है कि जिस भी लिहाज से अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या कोरोना आउटब्रेक रोकने के लिए जो भी जरूरी कदम दिखाई दें कि उन्हें अपने बिहाव पर लेने हैं तो वो स्वतंत्र हैं। और इसी तरह का जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर जिला प्रशासन अधिकारियों ने फैसला लिया उस तरह का फैसला दिल्ली सरकार भी ले सकती है। साथ ही साथ जो एक दवा के बारे में काफी रूमर्स फैल रहे हैं कि ये दवा काफी कारगर साबित हो सकती है खासतौर पर कोरोना से लड़ने के लिए, चूंकि कई मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हुए बताए गए हैं और कहा गया है कि इससे वायरल लोड जो है उनका वो काफी कम आ गया है। तो यहां पर जो ICMR के रिसर्चर्स साइंटिस्ट मौजूद थे उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि जिस दवा का नाम लिया जा रहा है वो दरअसल वेरीफाइड नहीं हुई है, उसके ऊपर अभी स्टडी होनी बाकी है। हाइड्रोक्लोरोविन, ये उसका हाइड्रोक्लोक्सीवोरिन, ये उस दवा का नाम है जो काफी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी वायरल हो रही है और लोग एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस दवा को इसका संचयन कर लिया जाए ताकि इसको किसी मुसीबत की स्थिति में आजमाया जा सके। तो यहां पर ICMR के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये पूरी तरह से इंकार किया है, रमन आर गंगखेड़कर ने, कि इस तरह की कोई स्टडी प्रूवन नहीं है कि ये दवा लेने से हाइड्रोक्लोरोविन ये नाम है इस दवा का। तो एक ये चीज उन्होंने वेरीफाई की है और एक और चीज जो इस समय प्रश्न बना हुआ है कि टेस्ट बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं और कुछ लोग ये सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि ज्यादा टेस्ट नहीं हो रहे हैं जिसके कारण कोरोना के पेशेंट की संख्या इंडिया में कम बनी हुई है। तो उन्होंने ये जानकारी दी है कि 44 प्राइवेट लैब्स को ये स्वतंत्रता दी गई है कि वो यहां पर अपने इक्विपमेंट अगर उनके अलाउ कर रहे हैं तो वहां पर वो कोरोना टेस्ट कर सकें और देश के अंदर ऐसी चिंता की स्थिति नहीं है कि हम लोग टेस्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। 5 लाख किट अमेरिका से आयात किए जा चुके हैं। इस तरह का फंड, इस तरह का दावा ICMR के साइंटिस्ट ने किया है। एक और चीज जो होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स पुनिया सलिल श्रीवास्तव ने साझा की है वो ये है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड को पूरी तरह से कोविड से निपटने के लिए, कोरोना वायरस से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये अलाउंस सभी स्टेट को दी हुई है, इसका संचयन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हमेशा रहता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये भी अनाउंस की गई है कि जिस भी DGHS या CGHS पेशेंट जो होता है अपनी डिस्पेंसरी अपने अस्पताल में जाता है तो उसको अपनी बीमारी ठीक करने के लिए 1 महीने की दवा दी जाती है जिस भी चीज का उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहां पर ये अलाउंस दी गई है डिस्पेंसरीज को, अस्पतालों को, कि वो 3 महीने की दवा पेशेंट को दे सकता है और 1 महीने की जो दवा की बंदिश थी उसको खत्म किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घरों के अंदर रहें। ये सब चीजें सरकार की तरफ से इस मंशा के साथ साझा की जा रही हैं ताकि लोगों के अंदर ये भरोसा जागृत किया जा सके कि सरकार पूरी तरह से प्रिपेयर है, आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले आशंकित समय के लिए भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी तरुण कालरा जुड़े हुए थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे कि स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरीके से रोजाना आंकड़े रख रहा है, लेकिन आंकड़े हर दिन जो बढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई होती जा रही है संख्या, ये देश के सामने, सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है।